नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। बिहार में इन दिनों एनडीए के बीच में काफी तानी और खटपट के विषय में बताया जा रहा है। एनडीए के हिस्सेदार चिराग पासवान, जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में हैं, उन्हें आरसीपी सिंह जदयू के सांसद के द्वारा कुछ कह दिए जाने के बाद काफी चुभा और उन्होंने ऐलान किया है कि चिराग पासवान लोजपा के 119 उम्मीदवार को क्षेत्र में उतारेगी। क्योंकि 119 उम्मीदवार क्षेत्र में पिछले 8 महीने से कार्यरत है और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मेरे उम्मीदवार कर्मठ हैं और बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। 30 लाख सदस्य बनाया गया और कोरोना काल में सरकार की भूमिका सही नहीं है, गरीबों शोषितों के ऊपर नीतीश सरकार ने ध्यान नहीं दिया और नीतीश सरकार के कार्यकाल से चिराग पासवान नाराज भी दिखते नजर आ रहे हैं। ऐसी हालत में स्पष्ट यह दिखाई पड़ता कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले नेताओं के बिगड़े बोल और अहंकार पूर्ण बोल विपक्षी को ही नहीं, सत्ता पक्ष में रहने वाले चिराग पासवान को भी चुभने लगा है। अहंकार पूर्ण रवैया और तानाशाही रवैया नीतीश और नीतीश के कुनवे के लोग अपनाते हैं, जिससे एनडीए के हिस्सेदार चिराग पासवान भी नाराज खासे दिख रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 119 उम्मीदवार क्षेत्र में उतारेंगे। 324 में 119 उम्मीदवार उनके तैयार हैं और उन्हें 119 उम्मीदवार उतारने के लिए सीट चाहिए, तब एनडीए के हिस्सेदार बनेंगे, वरना वो अकेला चलो रे का नीति अपनाएंगे। नीतीश कुमार तरजीह नहीं देते या नीतीश कुमार चिराग पासवान एनडीए के हिस्सेदार हैं, उनकी भूमिका को महत्व नहीं देते। नीतीश कुमार चिराग पासवान के सुझाव को नहीं मानते। नीतीश कुमार के कुनवे के नेतागण चिराग पासवान को कहते हैं कि जदयू अगर मेहनत नहीं करती तो आज वो जीत नहीं पाते जमुई से। जदयू ने ही उन्हें सांसद बनाया, यह याद रखना चाहिए। चिराग पासवान को यह आरसीपी सिंह कहते हैं। तो साफ स्पष्ट है, चिराग पासवान को यह दर्शाने का प्रयास जदयू करती है कि उनकी वोट की कोई महत्व नहीं है, उनके वोट की कोई पकड़ नहीं है और उन्हें जब जदयू स्वयं जिता सकती है तो जदयू बिहार में अपने बल पर चुनाव जीत सकती है। अब चिराग पासवान की आवश्यकता नहीं है या दलित वोटर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही मतलब लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, एनडीए में जबरदस्त खटपट जारी है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बाद दूसरे स्थान के नेता माने जाते हैं। उनका फैसला, उनका कार्यकाल कदम, उनका दिशा निर्देश पर ही सारे कार्य होते हैं और उन्होंने चिराग पासवान को खरी खोटी सुना दी और चिराग पासवान 119 पर लड़ेंगे, यह स्पष्ट कर दिया है। अब देखना आगे है कि आगे जाकर क्या गुल खिलाता है यह मामला। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।